एक्सरसाइज 5.6, इसका क्वेश्चन नंबर 7। 7 में है, एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब टी, एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2 टी। साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2 टी। फिर वाई की वैल्यू है कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2 टी। कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2 टी। ठीक है, अब जरा देखिए कि जैसे साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2 टी है, तो मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर एक्स जो है उस वो भी टी वेरिएबल की टर्म्स में दे रखा है। एक्स एक फंक्शन है जो कि टी वेरिएबल की टर्म्स में दे रखा है, और वाई एक फंक्शन है, ये भी टी वेरिएबल की टर्म्स में दे रखा है। तो इसको भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो करते हैं, एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2 टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो जैसे एक्स है तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ सॉरी डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी को मैं लिखूंगा बेटा साइन टी का होल क्यूब अपॉन अंडर रूट कॉस 2 टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2 टी। ये है, अब आप ये देखिएगा कि ये डी बाई डी टी ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, अब इसमें देखेंगे कि डी बाई डी टी ऑफ, अब जब ये ऊपर भी टी वाला वेरिएबल वाला टर्म, टी वाला टर्म और नीचे भी टी वाला टर्म, यानी कि क्वेश्चन रूल लगेगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन रूल में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मतलब अंडर रूट कॉस 2 टी का होल स्क्वायर। अच्छा, फिर ऊपर क्या होगा कि डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब अंडर रूट कॉस 2 टी एज इट इज इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन टी का क्यूब माइनस साइन टी का होल क्यूब एज इट इज इंटू डी बाई डी टी ऑफ अंडर रूट कॉस 2 टी। अब इसमें एक चीज जो है वो आप डायरेक्टली याद रखिए एज अ शॉर्टकट। जैसे मान लीजिए हम रूट एक्स की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए रूट एक्स की हम बात करेंगे, तो रूट एक्स का जो डिफरेंशियल है उसको डायरेक्टली मैं याद रख सकता हूँ 1/2 √x। जैसे अंडर रूट एक्स होता है, इसका मान लीजिए मुझे डिफरेंशियल निकालना है डी बाई डी एक्स, तो इसको मैं ये कहूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। ठीक है, तो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर डिफरेंशियल का, एन एक्स की पावर एन माइनस वन मतलब 1/2, एक्स की पावर 1/2 माइनस वन, 1/2 माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, तो 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस का 1/2, माइनस 1/2 नीचे आ जाएगा, 1/2 एक्स की पावर प्लस का 1/2, माइनस 1/2 जब नीचे आएगा तो ये बन जाएगा एक्स की पावर प्लस का 1/2, और एक्स की पावर 1/2 को क्या बोलते हैं, रूट एक्स। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट याद रखना कि अगर रूट एक्स का डिफरेंशियल निकालना है तो उसको डायरेक्टली लिख लेंगे 1/2 √x, रूट एक्स का डिफरेंशियल है, डायरेक्टली आप याद रखें 1/2 √x। इसी तरीके से अब आप ये देखेंगे कि जब मुझे यहाँ पर रूट कॉस 2 टी को डिफाइन करना होगा तो 1/2 √cos 2t हो जाएगा सीधा सीधा डायरेक्टली। ठीक है, तो जरा देखिए जैसे यहाँ अंडर रूट कॉस 2 टी है, ये तो एज इट इज रहेगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस 2 टी विल रिमेन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी टी ऑफ साइन टी का होल क्यूब। तो साइन टी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 3 sin t का स्क्वायर। ये एक तरह से क्या हो गया, जैसे एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 3 का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, एक्स की पावर 3 का डिफरेंशियल तो ये हो गया 3x स्क्वायर। उसके बाद
जो ये साइन टी है, फिर इस साइन टी को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस टी माइनस फिर देखिएगा माइनस साइन टी का होल क्यूब तो होगा ही एज इट इज, फिर डी बाई डी टी ऑफ कॉस टू टी। तो पहले तो यहां पर अंडर रूट वाला फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो अंडर रूट वाले को क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स सीधा सीधा वन अपॉन टू रूट एक्स, तो वन अपॉन टू रूट कॉस टू टी, ठीक है। फिर रूट के अंदर क्या है, कॉस है, तो कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो इसको लिखेंगे माइनस साइन टू टी। चलिए माइनस साइन टू टी हो गया, और उसके बाद टू टी का, उसके बाद टू टी का फर्दर डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, जैसे टू एक्स का टू होता है ऐसे ही टू टी का हो गया टू। अच्छा, और अपॉन में अंडर रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया सिर्फ कॉस टू टी। बताइए जी, यहां तक सबको क्लियर है, यस सर। बताइए। एकांश, दृष्टि, आर्यन, अर्श, अनुवा, सभी यस को सर। क्लियर है? ठीक यस सर। है, चलिए जी आगे यस चलते हैं। सर। फिर ये वाला पोर्शन आपको समझाने के लिए बताया गया था, तो ये मिटा रहा हूं मैं। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पर देखो कि यहां पर एक टर्म तो पूरी की पूरी ये आ रही है, एक है साइन टी का होल क्यूब वन अपॉन टू अंडर रूट कॉस टू टी, ये जो टू है इस टू से तो ये टू कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये जो ये अंडर रूट कॉस टू टी डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर वाले का एलसीएम अगर देंगे तो अंडर रूट कॉस टू टी इंटू अंडर रूट कॉस टू टी होकर ये कॉस टू टी बन जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा इस तरह से, ये अंडर रूट कॉस टू टी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस टू टी, समझ गए, अंडर रूट कॉस टू टी मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट कॉस टू टी, सिंपली कॉस टू टी हो जाएगा। फिर ये क्या है, साइन टी का होल स्क्वायर कॉस टी, तो थ्री साइन स्क्वायर टी कॉस टी ये लिख देंगे, थ्री साइन स्क्वायर टी कॉस टी ये हो गया। फिर बीच में ये माइनस का साइन है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन टू टी, साइन क्यूब टी इंटू साइन टू टी ये हो गया, है ना, साइन क्यूब टी इंटू वन इंटू साइन टू टी, माइनस माइनस प्लस हो गया, और अपॉन में अंडर रूट कॉस टू टी, अपॉन में अंडर रूट कॉस टू टी, और पूरे के अपॉन में क्या है, कॉस टू टी। तो अब आप ये देखो कि ऊपर तो एक रैशनल नंबर दे रखा है कि ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर अपॉन ये डिनोमिनेटर, लेकिन नीचे केवल ये डिनोमिनेटर वाली टर्म दे रखी है, नीचे केवल डिनोमिनेटर वाली टर्म है, तो इसको रैशनल एक्सप्रेशन बनाने के लिए अपॉन में वन कर दो। अब क्या होगा कि ऊपर भी रैशनल एक्सप्रेशन नीचे भी रैशनल एक्सप्रेशन, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो सबसे नीचे तो वन है और सबसे ऊपर वाली टर्म में जब वन मल्टीप्लाई होगा तो सबसे ऊपर वाली टर्म एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, ऊपर वाली टर्म हो गई थ्री साइन स्क्वायर टी कॉस टू टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन टू टी अपॉन, ये कॉस टू टी है और ये भी कॉस टू टी है, तो यहां देखेंगे ये वाला ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, ये बीच वाले हैं दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो ये कॉस टू टी का मतलब है कॉस टू टी की पावर वन, और इस कॉस टू टी का मतलब है कॉस टू टी की पावर वन बाई टू, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, यस सर। ये है कॉस टू टी की पावर, एक तरह से देखा जाए तो ये है कॉस टू टी की पावर वन,
और ये है cos 2t की पावर 1 बाई टू। जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो जब सेम बेसिस वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर एडअप हो जाती है, तो इसकी पावर 1 है और इस cos 2t की पावर क्या है, 1 बाई टू। अंडर रूट का मतलब 1 बाई टू होती है पावर में, तो 1 प्लस 1 बाई टू क्या हो गया, 3 बाई टू। तो फाइनली मेरे पास ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आ गया फॉर व्हाट, dx बाई dt। ये dx बाई dt आ गया मेरे पास। अब यही सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगा मैं dy बाई dt कैलकुलेट करने के लिए। करते हैं, जैसे y दे रखा है, y दे रखा है cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t, ये दे रखा है। तो फिर से इसमें डिफरेंशियल करते हैं दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिएगा, ये हो गया dy बाई dt इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट कॉस 2t, तो अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। फिर अंडर रूट कॉस 2t एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी टी ऑफ कॉस क्यूब टी। कॉस क्यूब टी का मतलब कॉस टी का होल क्यूब माइनस फिर अंडर रूट कॉस 2t एज इट इज, नहीं सॉरी, फिर कॉस क्यूब टी एज इट इज और इनटू डी बाई डी टी ऑफ अंडर रूट कॉस 2t। ठीक, बिल्कुल वैसे ही मैंने क्वेश्चन रूल लगाया जैसे मैंने एक्स के केस में लगाया था डी एक्स बाई डी टी के केस में। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, फिर देखिए क्या होता है, ये अंडर रूट कॉस 2t एज इट इज और डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी का होल क्यूब। तो जब होल क्यूब का करेंगे तो जैसे एक्स की पावर 3 का होता है 3x2, इसी तरह से कॉस टी की पावर 3 का क्या हो जाएगा, 3 कॉस टी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 कॉस टी का होल स्क्वायर, ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई, अब कॉस टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी, बीच में माइनस का साइन है ही, अब कॉस टी का होल क्यूब। ठीक है, फिर अंडर रूट कॉस 2t को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो अंडर रूट कॉस 2t का हो गया 1 अपॉन 2 रूट कॉस 2t। फिर कॉस का क्या होगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो यहां लिख रहा हूं माइनस साइन 2t, और फिर 2t का हो जाएगा 2। दिखाई दे रहा है सबको लास्ट तक, ठीक है, बिल्कुल लास्ट तक है ये 2, बस इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक, उसके बाद अपॉन में देखें तो अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया कॉस 2t। फिर यहां पर बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया इज इक्वल टू, अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर लो तो 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी विद माइनस साइन, माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी अंडर रूट कॉस 2t और माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस कॉस क्यूब टी साइन टू टी अपॉन अंडर रूट कॉस टू टी अपॉन अंडर रूट कॉस टू टी, ये पूरा एक्सप्रेशन और पूरे के डिनोमिनेटर में कॉस टू टी। उसके बाद जैसे डीएक्स बाय डीटी है, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, फिर यहां इसके आगे फिर मैं लेफ्ट साइड में कर रहा हूं, अब देखिएगा कि ये हो गया हमारे पास इतना dy बाई dt यहां तक आ गया है। तो dy बाई dt इज इक्वल टू
माइनस थ्री। अच्छा अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर में मैं एलसीएम ले लूंगा, तो अंडर रूट कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t, कॉस 2t बन जाएगा, तो माइनस थ्री कॉस स्क्वायर टी साइन टी और कॉस 2t, ठीक है, प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t और अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t और पूरे के अपॉन में कॉस 2t। अब कॉस 2t को ऐसे ले लो और अपॉन में 1 ले लो, तो ऊपर भी एक रैशनल एक्सप्रेशन, नीचे भी एक रैशनल एक्सप्रेशन, तो सबसे नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो dy बाई dt इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, माइनस थ्री कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉस 2t प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t, और ये पूरा न्यूमरेटर से क्या मल्टीप्लाई हो गया, 1। तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, और ये डिनोमिनेटर, ये जो बीच वाली दोनों टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, कॉस 2t की होल पावर 3/2। ये हो गया, तो फाइनली dx बाई dt ये हो गया और dy बाई dt ये हो गया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके dy बाई dx निकालूंगा, तो देखिएगा मुझे क्या करना होगा, dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, इसका मतलब dy बाई dt माइनस थ्री कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉस 2t प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t अपॉन कॉस 2t की होल पावर 3/2। ये तो हो गया dy बाई dt। अब डिवाइड बाई dx बाई dt करना है, तो सीधा सीधा मैं एक स्टेप बचाने के लिए मल्टीप्लाई बाई, मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई बाई dx बाई dt का रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, वही तो करते हैं हम डिवाइड में। तो मैं एक स्टेप बचाने के लिए ये काम कर रहा हूँ कि मल्टीप्लाई बाई dx बाई dt का रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब थ्री साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉस 2t प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t, ठीक है, और न्यूमरेटर में आ जाएगा कॉस 2t की होल पावर 3/2। तो इससे ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। फिर जो अगला टर्म है यहां पर मैं लिखूंगा dy बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब आप ये देखिए यहाँ जो न्यूमरेटर है, क्या इसमें कुछ कॉमन लिया जा सकता है, देखो इधर कॉस क्यूब टी है और इधर कॉस स्क्वायर टी है, तो मैं कॉस क्यूब टी और इधर कॉस स्क्वायर टी, तो मैं काम कर सकता हूं कि मैं इसमें हाँ, हम यहाँ पर अच्छा साइन 2t को मैं लिख सकता हूँ 2 sin t कॉस टी, उससे कोई फायदा, ऐसे यहाँ पर साइन कॉमन लिया जा सकता है इधर और कॉस भी लिया जा सकता है कॉमन, तो है ना, चलिए देखते हैं। सर, हाँ जी बोलो बोलो क्या मैं कह रहे शुरू से ही वो कन्वर्ट करके चल रहा था, लास्ट में कॉट टी आ गया, लेकिन पीछे कॉट 3 टी लिखा हुआ है आंसर आंसर। है इसका, आप क्या बता रहे हो, कॉट 3t आ रहा है पीछे आंसर। हाँ, लेकिन मैं शुरू से कन्वर्ट करके चल रहा था, 2 वाली टर्म को कॉट आ रहा है। अच्छा हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुई हो, अब मैं क्या बताऊं, आप भेज देना एक बार सॉल्यूशन, मैं देख लूंगा। अब यहां पर इसका जो आंसर है वो कॉट 3t बता रहे हो ना तुम, कॉट 3t आ रहा है इसका आंसर, तो कॉट 3t होता है 1/tan 3t, और tan 3 थीटा का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3
टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, टेन थ्री थीटा ऊपर लिख रहा हूँ, चलो सर, 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan टेन स्क्वायर थीटा थीटा। थीटा होता है ना, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। हाँ, वही वही वही। तो उस चीज को ध्यान में रखेंगे कि जैसे ये होता है टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये थ्री टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है, तो कहीं ना कहीं ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, सब कुछ टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी करता हूँ। देखिए, सब कुछ टेन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि क्या क्या चीज कहाँ कहाँ पर कॉमनली जा सकती है। जैसे मान लो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, इधर कॉस क्यूब है, तो मैं कॉस स्क्वायर तो ले सकता हूँ आसानी से कॉमन। ऐसे यहाँ साइन स्क्वायर है, इधर साइन क्यूब है, तो फिर मैं यहाँ पर, और जैसे ये कॉस 2t और साइन 2t है ना, तो इसको भी कन्वर्ट करें आप किसमें, नॉर्मल, मतलब ये 2t वगैरह हटाओ। तो कॉस 2t को क्या करा जा सकता है, -3 cos²t sin t। और जैसे cos 2t है, तो cos 2t के ना दो फॉर्मूले होते हैं, तीन फॉर्मूले होते हैं बेसिकली। cos 2t का एक फॉर्मूला होता है 2 cos²t - 1, 2 cos²t - 1, हाँ ये भी चल सकता है। और या फिर एक होता है 1 माइनस cos²θ इज इक्वल टू 2 sin²θ, यानी कि 2 sin²t। तो 1 माइनस यहाँ से हो गया cos²t इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin²t। इससे भी बात बन सकती है। मुझे क्या करना है, मैं उस पर फोकस करूंगा कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ यहाँ पर। और cos²t का एक फॉर्मूला और होता है बेटा, cos²t के तीन फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला ये भी होता है cos²t - sin²t। अब आंसर इन्होंने cot³θ दे रखा है, तो वो cot³θ बनाने के लिए कैसे किया जाए। cot³θ में हमारे पास आना चाहिए tan³θ का रेसिप्रोकल, यानी कि 1 माइनस 3 tan² थीटा ऊपर आना चाहिए, 1 माइनस 3 tan² थीटा ऊपर आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, हम cos²t का एक फॉर्मूला कोई यूज कर लेते हैं। चलो ये वाला कर लेते हैं पहले वाला, ठीक है, कहीं कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी तो कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए, -3 cos²t (sin t) cos²t की जगह मैं लिख दूंगा 2 cos²t - 1, ये cos²t की जगह आ गया, प्लस cos³t एज इट इज, और sin²t का मतलब होता है बेटा 2 sin t cos t, 2 sin t cos t। अब अपॉन में आ जाइए, अपॉन में 3 sin²t, 3 sin²t और cos t cos 2t cos t, यहां पर भी cos²t का यही फॉर्मूला यूज कर लो, 2 cos²t - 1, ठीक है, प्लस sin³t, और sin²t की जगह 2 sin t cos t, ये हो गया। अब ये करने पर क्या होगा, एक तो इधर dt से dt को काटो, तो ये आ गया सीधा सीधा dy/dx इज इक्वल टू -3 cos²t sin t। जब इसको 2 cos²t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -6 cos की पावर 4t साइन टी, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 cos²t और साइन टी, ये हो गया। फिर अगला टर्म देखेंगे तो +2 sin t cos की पावर 4t, 2 sin t और cos की पावर 4t, खत्म, इतना हो गया। और अपॉन में क्या होगा,
थ्री साइन स्क्वायर टी कॉस टी को टू कॉस स्क्वायर टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री टू जा सिक्स, सिक्स साइन स्क्वायर टी एज इट इज और कॉस टी का क्यूब, कॉस क्यूब टी और साइन स्क्वायर टी एज इट इज, फिर इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री साइन स्क्वायर टी कॉस टी, फिर ये हो जाएगा टू साइन की पावर फोर्टी प्लस टू साइन की पावर फोर्टी और कॉस टी, इतना हो गया। इतना करने के बाद में फिर मैं देखूंगा न्यूमरेटर में कौन सी टर्म कॉमन आ रही है। यहां देखो ये कॉस की पावर 40, कॉस स्क्वायर टी और कॉस की पावर 40, तो कॉस स्क्वायर टी कॉमन लिया जा सकता है और साइन टी कॉमन लिया जा सकता है। ये मिटा रहा हूं मैं यहां से, तो कुछ टर्म्स ऊपर नीचे अगर कट जाएंगी तो फिर मैं आराम से सिंप्लीफाई कर सकता हूं इसको। तो अब ये हो जाएगा न्यूमरेटर में आप ये देखिए कि इधर सिक्स है, इधर थ्री और इधर टू है, तो इनमें नंबर तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है। कॉस स्क्वायर टी एक तो कॉमन आ जाएगा और साइन टी कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर टी और साइन टी ले लिया कॉमन, अब ब्रैकेट में बचेगा माइनस सिक्स कॉस स्क्वायर टी, माइनस सिक्स कॉस स्क्वायर टी, साइन टी निकाल लिया, थ्री कॉस स्क्वायर टी निकाल लिया, साइन टी निकाल लिया, कॉस स्क्वायर टी साइन टी निकाल दिया, तो प्लस थ्री बचा केवल, प्लस थ्री बचा और इधर साइन टी निकाल लिया तो टू और कॉस स्क्वायर टी, प्लस टू कॉस स्क्वायर टी इतना बचा। अपॉन में देखिए इधर कॉस क्यूब है, इधर कॉस टी है और इधर कॉस टी है, तो एक तो कॉस टी आएगा कॉमन और साइन स्क्वायर साइन की पावर फोर, तो साइन स्क्वायर टी और कॉस टी, कॉस टी और साइन स्क्वायर टी ये आएगा, तो डिनोमिनेटर में क्या बचा सिक्स कॉस स्क्वायर टी, सिक्स कॉस स्क्वायर टी और इधर क्या लिया साइन स्क्वायर टी ले लिया, कॉस टी ले लिया, तो माइनस थ्री, माइनस थ्री और साइन स्क्वायर टी ले लिया तो साइन स्क्वायर टी बचा, कॉस टी ले लिया तो टू साइन स्क्वायर टी प्लस टू साइन स्क्वायर टी। अभी एक कॉस टी से एक कॉस टी कट गया और एक साइन टी से एक साइन टी कट गया, तो ऊपर कॉस टी बचा नीचे साइन टी बचा, तो ये कॉस टी अपॉन साइन टी ये बचता है। हम मुझे क्या करना है कि अब अगर इसको कन्वर्ट करना है ना हमें टेन थ्री थीटा के फॉर्मूले में, तो मुझे सब कुछ टेन टेन ही करना पड़ेगा, टेन में ही सब कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टेन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए क्या करा जाएगा कि टेन में कन्वर्ट करने के लिए मैं ये करूंगा कि कैसे भी करके जैसे जहां पर भी साइन है वो कॉस से डिवाइड हो जाए, और हाँ जहां पर भी साइन है वो कॉस से डिवाइड हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि यहां पर कॉस स्क्वायर है तो ये वाला जो ब्रैकेट है इसको भी आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो और जो नीचे वाला ब्रैकेट है इसको भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। मैंने कहा ऊपर तो हो गया कॉस टी और जो ऊपर वाला ब्रैकेट है इसको आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो सिक्स कॉस स्क्वायर टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी प्लस थ्री अपॉन कॉस स्क्वायर टी प्लस टू कॉस स्क्वायर टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी अपॉन में यहां नीचे साइन टी बचा, लिख दीजिए साइन टी, इधर सिक्स कॉस स्क्वायर टी तो इसको भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, माइनस थ्री अपॉन कॉस स्क्वायर टी ये कर दिया और प्लस टू साइन स्क्वायर टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी ये हो गया। अब कॉस स्क्वायर टी से कॉस स्क्वायर टी गया, कॉस स्क्वायर टी से देखो ऊपर और नीचे मैंने कॉस स्क्वायर टी से डिवाइड करा है सिर्फ इस ब्रैकेट को, अभी इन दोनों का क्या करना है वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों ये मैंने डिवाइड कर दिया, अब कॉस स्क्वायर टी से कॉस स्क्वायर टी कट गया, तो अब देखिएगा अब ऊपर है कॉस टी और इस ब्रैकेट में क्या बचा मेरे पास। हाँ जी बोलो सर, ऊपर नीचे वो माइनस वन से नहीं कट जाएगा?
माइनस वन से क्या कटेगा? मतलब वो माइनस वन ही हो गया ना, नीचे वाले में माइनस ऐड कर दो तो सेम टर्म हो जाएगी। नीचे वाले में क्या ऐड कर दूं? दोबारा बताओ। मैं कह रहा हूँ जो सिक्स माइनस सिक्स कॉस स्क्वायर टी वाला टर्म है और नीचे वाला टर्म है तो माइनस वन से कैंसिल। अरे मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है बेटा, बीच में एडिशन है ना। हाँ तब भी पूरा टर्म। नहीं, यहां पर देखो, यहां 2 cos² t है, यहां 2 sin² t है अच्छा ठीक ना, बस ये अंतर है, नहीं तो हो जाता। ठीक, तो अब देखिए, जैसे ये cos t है, यहां पर आएगा मेरे पास -6, ये अपॉन में cos² t है, तो ये हो जाएगा 3 sec² t और प्लस का 2 ब्रैकेट बंद अपॉन में sin t, और फिर ये हो गया 6 -3 sec² t प्लस sin² t अपॉन cos² t हो गया 10 square t, तो प्लस का 2 10 square t। अब देखिएगा क्या करेंगे। मैं ये नीचे वाला मिटा रहा हूँ, सबने अगर नोट कर लिया है, कर लिया बेटा, मिटा दूँ नीचे वाला। ठीक यस सर। है, चलिए जी, ये मिटा रहा हूँ मैं सारा। अब मैं ये जानता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, या चलो छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये कॉस्ट ही है और ये साइन टी है, तो इसको भी कॉस्ट से डिवाइड कर दो, इसको भी कॉस्ट से डिवाइड कर दो, करा जा सकता है ऊपर नीचे सेम टर्म से डिवाइड। कॉस्ट टी अपॉन कॉस्ट टी कर दिया, और यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे -6 + 3, ये जो सेक है, फिर सेक स्क्वायर को 10 में कन्वर्ट करेंगे, तो मैं जानता हूँ 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहां मैं लिख दूंगा 1 + tan² t और प्लस का 2 ब्रैकेट बंद, फिर अपॉन में ये साइन टी है, तो इसको भी मैं कॉस टी से डिवाइड कर दूंगा, ऊपर भी कॉस टी से डिवाइड, नीचे भी कॉस टी से डिवाइड, ब्रैकेट में ये 6 - 3, फिर वही चीज के सेक स्क्वायर टी है, तो इसको मैं लिख दूंगा 1 + tan² t, और ये हो गया लास्ट में 2 tan² t। अब आप देखो, कॉस टी से कॉस टी कट गया, तो ऊपर तो बचा 1, और ब्रैकेट में क्या बचा? -6, और 3 × 1 क्या हो गया? 3, और 3 × tan² t हो गया 3 tan² t, और प्लस का 2 अपॉन साइन टी अपॉन कॉस टी क्या हो गया? 10 t। अब ब्रैकेट में यहां नीचे क्या लेंगे? 6 - 3 × 1 - 3, और -3 tan² t, ठीक है, और प्लस का 2 tan² t। ठीक है, अब क्या करें? ये वाला टर्म मिटा रहा हूं इधर से, ये अब इस तरफ ये सिंप्लीफाई होकर क्या आ रहा है? dy/dx इज इक्वल टू, न्यूमरेटर देखिए, 3 tan² t, और 3 + 2 कितना हो गया? 5, 3 + 2 5, -6 + 5 क्या हो गया? -1, 1 तो बाहर है, -1 + 3 tan² t अपॉन 10 t मल्टीप्लाइड बाई 6 - 3 हो जाएगा 3, और -6 - 3 हो जाएगा 3, और माइनस का 10 square t, -3 tan² t प्लस 2 tan² t, तो -10 square t। ठीक है, dy/dx इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में देखिए क्या हो जाएगा, 3 tan t
माइनस टेन क्यूब टी, और ऊपर आ गया माइनस, अगर कॉमन ले लिया जाए माइनस वन, तो ऊपर बचेगा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर टी। और ये फॉर्मूला क्या होता है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला टेन थ्री थीटा का रेसिप्रोकल है। भाई ऊपर थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसका है, ये टेन थ्री थीटा का रेसिप्रोकल है, तो ये कॉट थ्री थीटा हो गया ना, और बाहर माइनस साइन है। बेटा माइनस कॉट थ्री थीटा आ रहा होगा अर्श, अर्श एक बार देखो, माइनस कॉट थ्री टी आ रहा होगा 5.6 का, 7th का, अभी यस देखो, सर, है ना। बताइए जी, सबको समझ में आ गया? मुझे एक चीज पूछनी है हाँ जी बताओ। सर। मैंने एक मेथड से करा था, उसका तो माइनस कॉट टी आ रहा है, और मुझे सर गलत नहीं लग रहा हो कहीं से भी। एक मिनट वेट करिए। यस सर, हाँ बताओ क्या कह रहे हो। सर मुझे ये जानना है कि जैसे सर मैं सर वो क्वेश्चन में लिखा है ना कि हाँ बोलो। क्वेश्चन में जो एक्स और वाई है दोनों में डिनोमिनेटर में रूट कॉस टू टी और रूट कॉस टू टी इक्वल है, तो हाँ जब मैं डीएक्स बाय डी वाई बाय डी टी अपॉन डीएक्स बाय डी टी करूंगा, तो सर उनका जो डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है वो तो कटने ही वाला है वो तो कटने ही वाला है। ना, तो सर उनको छोड़ के मैं अगर सिर्फ साइन क्यूब टी और कॉस क्यूब टी के डिफरेंशिएशन करके उनको डिवाइड कर दूं, तो सर वो सर गलत हो उससे जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे को मालूम है कि वो कटने वाला है, लेकिन क्या है कि वो कटेगा कब, जब हम पूरा ना उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब क्वेश्चन रूल में तो देखो डिनोमिनेटर का भी यूज होने वाला है ना भैया। जब आप क्वेश्चन रूल लगाओगे तो उसमें सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या आता है, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का रोल है, हाँ, उसको आप करने के बाद में फिर उसको काट दो तो ठीक है, इनिशियली नहीं काट सकते, समझ ओके रहे हो ना। मतलब डी वाई बाई डी एक्स है, लेकिन अगर सिंपली वाई बाई एक्स होता तब तो काट ही देते, पर क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स में क्वेश्चन रूल में डिनोमिनेटर का भी इंपॉर्टेंट रोल है, इस वजह से उसको काटेंगे नहीं शुरुआत में। और दूसरी चीज आप सबको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये मैंने इतना लंबा चौड़ा इसको करा सॉल्व, आप ये देख रहे हैं बहुत टाइम लग गया, ये एक बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया, ये आपको कब करना है। हमने इसको करते गए करते गए करते गए, हमें कोई सपना थोड़ी आ रहा है कि ये आगे सिंप्लीफाई होने वाला है और इतना छोटा रह जाएगा कि माइनस कॉट थ्री टी रह जाएगा। तो हमें कोई अपने आप से कैसे पता चल जाएगा कि ये सिंप्लीफाई होगा ही होगा आगे, ठीक है। तो देखिए, जब तक आपसे ये ना कहा जाए कि आप इसको प्रूव करें, तो तब तक आपको इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपसे कहें कि आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन की, इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन की वेटेज कितनी है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में इतनी ज्यादा मेहनत करनी वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे कि शुरुआत में ही जो हमारी वैल्यू आई थी डी वाई बाई डी एक्स करके, तो शुरुआत में जो वैल्यू आई थी आप वो नोट कर लेंगे, वही लिख देंगे बस। आगे आपको उसको ट्रिग्नोमेट्री के सारे ये फॉर्मूले वगैरह लगाकर इतना ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि या तो क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, या चलिए अगर 3 नंबर का भी है तो भी आगे सिंप्लीफाई करा जा सकता है, लेकिन इतना ज्यादा आगे करने की जरूरत नहीं है। या आपसे ये कहा जाए कि आपको माइनस कॉट थ्री टी के बराबर ही उसको प्रूव करना है, तो तब आप यहां पहुंचेंगे, तब आपको इतना लंबा अप्रोच लेकर चलना है। बताइए जी, समझ गए ना सभी बच्चे, कि जबरदस्ती उसको इतना लंबा लेकर जाने की जरूरत नहीं है। सभी को क्लियर है ना इतना, यस सर, ठीक है। अच्छा और बताइए, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो 11 इलेवंथ इलेवंथ बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 इलेवन है, एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स टी, ए की पावर साइन इनवर्स टी का अंडर रूट, वाई इज इक्वल टू
ए की पावर कॉस इनवर्स टी का अंडर रूट, ये हो गया। अब यहां पर क्या है कि यहां पर अंडर रूट में दे रखा है, और अंडर रूट में पहली चीज तो ये है अंडर रूट में, और दूसरा एक्सपोनेंशियल टर्म है, और एक्सपोनेंशियल टर्म भी कौन सी है कि मुझे पावर में टी वाली टर्म दे रखी है, तो मुझे जब टी के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और पावर में टी वाली टर्म दे रखी है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। ठीक है, देखते हैं जरा। जैसे एक्स है तो मैं एक्स को लिख सकता हूँ, इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स टी। इससे क्या हुआ कि इससे मेरा एक तो ये वाला चक्कर खत्म हो गया इसका, कि अंडर रूट वाली एक प्रॉब्लम खत्म हुई। उसके बाद इसी तरह से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर कॉस इनवर्स टी, फिर क्या करिए, फिर आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्योंकि जब भी पावर में टी वाली टर्म दे रखी होती है तो फिर मैं लॉग लेना प्रेफर करता हूँ, कॉस इनवर्स टी साइन इनवर्स टी। ठीक है, तो देखिएगा जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए की पावर साइन इनवर्स टी, फिर लॉग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए की पावर कॉस इनवर्स टी। ठीक, ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं मैं। अभी देखिएगा लॉग एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, लॉग के आगे जो भी टर्म लिखी रहती है उसकी जो पावर होती है वो फ्रंट में आ जाती है, तो ये हो जाएगा टू लॉग एक्स। तो लॉग के आगे ए लिखा हुआ है, पावर में साइन इनवर्स टी है, फ्रंट में आ जाएगा साइन इनवर्स टी लॉग ए। लॉग वाई स्क्वायर का मतलब टू लॉग वाई, और पावर में कॉस इनवर्स टी है तो फ्रंट में आ जाएगा कॉस इनवर्स टी लॉग ए। ठीक है जी, इसके बाद डिफरेंशिएट कर लेंगे अपने आप, टू लॉग एक्स। अगर मान लो मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा, पहले टू तो कांस्टेंट, फिर लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, लॉग का जब डिफरेंशियल करते हैं तो वो उसको डिनोमिनेटर में ले आता है, बस वन अपॉन एक्स, फिर एक्स को करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, अब लॉग ए तो कॉन्स्टेंट है और साइन इनवर्स टी का डिफरेंशियल होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, और लॉग ए इज अ कॉन्स्टेंट तो लॉग ए एज इट इज रहा। इसी तरह से टू लॉग वाई का जब डिफरेंशियल करेंगे तो टू लॉग वाई का डिफरेंशियल वन अपॉन वाई, और फिर वाई का टी के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, डी वाई बाई डी टी। फिर कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशियल होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, और लॉग ए विल रिमेन एज इट इज, ये हो गया। ठीक है, तो यहां से डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू निकालिए, डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये एक्स इधर आ जाएगा और ये टू डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो एक्स इंटू लॉग ए अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर। ऐसे ही डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये वाई ऊपर चला गया तो माइनस वाई लॉग ए अपॉन, ये टू नीचे चला गया, टू इंटू अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस वाई लॉग ए अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, और डिवाइड ना लिखकर सीधा मल्टीप्लाई लिख रहा हूं और इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं डी एक्स बाई डी टी का, तो टू अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स लॉग ए,
लॉग ए से लॉग ए कट गया, टू अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर से टू अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर कट गया, क्या आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स। तो डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स, अभी डी टी से डी टी कट गया तो माइनस वाई अपॉन एक्स ये हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, वाई और एक्स की वैल्यू डालिए तो वाई क्या था अंडर रूट एक की पावर कॉस इनवर्स टी माइनस अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और अपॉन में एक्स क्या था अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर भी अंडर रूट नीचे भी अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन। सर वो क्वेश्चन हो गया ऊपर, हाँ तो क्वेश्चन हो गया, तो हमें बस यही माइनस वाई अपॉन एक्स के इक्वल प्रूव करना था। ओ अच्छा अच्छा ठीक है, ये शो करना था, चलिए ठीक है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स हो गया, ठीक है ये मैंने देखा ही नहीं कि ये प्रूव करने वाला था। ठीक है जी, सभी को क्लियर है इतना? यस सर, ठीक है। देखिए और भी बच्चों को मैं बता देता हूँ कि अगर आपसे 5.6 तक अगर आपने ट्राई नहीं कराया तो इसको कंप्लीट करिए, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के भी कुछ क्वेश्चंस करने की ट्राई करना, बाकी मैं करवाता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए जी आज फिर इतना ही करेंगे।